आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आपको मेरी आवाज़ सुन के पता लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, क्योंकि एक यूट्यूबर यूट्यूब छोड़ चुका है। जो यूट्यूबर का मैं बहुत टाइम से देखता था, लिटरली जब से मैंने बेड वॉर्स खेलना स्टार्ट करा था, उस यूट्यूबर ने यूट्यूब ही छोड़ दिया। मतलब सोच सकते हो यार गाइज, यार आप कितना सैड मोमेंट हो सकता है मेरे लिए। उसका नाम है वैम्बू, ठीक है। वैम्बू ने छोड़ दिया है यूट्यूब, मतलब पता नहीं यार क्या कर क्या रहा है वो। अब मैं इसके बारे में ना ओपिनियन बताना चाहूंगा अपना, कि क्या मैं सोचता हूँ इस सिचुएशन के बारे में। तो मुझे क्या लगता है कि ना, या फिर उसका कोई कहते खतरनाक मास्टर प्लान है, ठीक है, नया एंड्रू टेट बनना चाहता है वो, और वो कुछ रीजन से छोड़ा होगा। वरना उसके व्यूज इतने तगड़े आ रहे थे ब्रो, वो मिलियंस पे जाने वाला था वो बंदा, इतनी इजिली तो नहीं छोड़ेगा यूट्यूब, इतना तो पता है मेरे को, ठीक है। या फिर उसने चैनल सस्पेंड करा। सस्पेंड में क्या होता है कि हाइड हो जाता है दूसरों से, जब भी आपने आना हो आप अनसस्पेंड कर सकते हो, ठीक है। मैंने कभी ट्राई नहीं करा, लेकिन इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो होता है वो चीज़, ठीक है, वो तो मेरे को पता है। लेकिन यूट्यूब पे होता है कि नहीं पता नहीं मेरे को, बट स्टिल यार इतना तगड़ा पोटेंशियल वाला यूट्यूबर, यार यूट्यूब अचानक से कैसे ही छोड़ सकता है यार। और अब देखो कितने मतलब क्या ही बोलो यार, इंडिया में भी कितना फेमस था यार हमारा युग प्लेस, भाई युग प्लेस लिटरली। अब वो कंटेंट कहाँ से बनाएगा यार, वो सोच के देखो एक बार यार गाइज, उसका तो भाई क्या ही करूँ यार बेचारा। मेरे को उसके लिए भी बहुत बुरा लग रहा है युग प्लेस के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा इंस्पिरेशन वही था, मतलब उसके लिए, मतलब वैम्बू का सबसे बड़ा इंस्पायर्ड यूट्यूबर वही था। अब उसके लिए भी बेचारे के लिए कुछ नहीं है, बट स्टिल यू नो विश द बेस्ट फॉर यू युग प्लेस। लेकिन यार वैम्बू का मेरे को पता नहीं है, मैंने आपको बोला कि मुझे क्या लगता है, कि मेरा ओपिनियन तो यही है कि या फिर वो कुछ प्लान आउट कर रहा है बिहाइंड द सीन, या फिर वो एक्चुअल में छोड़ चुका है, या फिर वो यूट्यूब से पैसा कमाया हुआ है वो कुछ बिजनेस में लगा चुका है, ठीक है, जो उसका बिजनेस मस्त चल रहा होगा, या फिर वो जेन्युइनली छोड़ चुका है। फैमिली प्रॉब्लम से तो मेरे को नहीं लगता कि फैमिली प्रॉब्लम से उसने छोड़ा होगा, क्योंकि यार इतना सही कमा रहा था बंदा, और बाहर में तो आपको पता भी है सपोर्ट भी करते हैं हर एक चीज पे, है ना। तो वही है यार, ओ माय गॉड मैं क्रैक क्यों खेल रहा हूँ यार इतना। लेकिन इससे भी मरा ना मैं भाई, लिटरली भाई मैं भी यूट्यूब छोड़ दूंगा गाइस, मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तो गिगा चैट हूँ, बट स्टिल यार यार आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार, मैं बोलता भी नहीं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, मैंने लिटरली किसी भी वीडियो में नहीं बोला, मतलब नहीं आई गेस बोला है, मे बी आई डोंट नो यार, बोला हो या ना बोला हु केयर्स, ठीक है। आप लोगों को सब्सक्राइब करना है यार, हम लोग इस बंदे को मारते हैं उसके बाद वीडियो एंड करते हैं यार, इतनी हाई एफर्ट कंटेंट भाई यार। और ट्रिब्यूट टू यार लिविंग क्यों कह रहा भाई मैं, ट्रिब्यूट टू यू नो वैम्बू, ही वाज ग्रेट गाय, बहुत तगड़ा कंटेंट क्रिएट था वो, बेड वॉर्स में भी बहुत सही पर्सनैलिटी थी, बहुत फनी बंदा था, बहुत क्रिएटिव आइडियाज थे उसके, मतलब वीडियोज बनाने के, उसका ह्यूमर काफी सही लगता था मेरे को भाई, लिटरली भाई। और आपको भी पता है कि इंडिया में भी कितना फेमस था वो, मतलब बैडवर्ड्स कम्युनिटी में कितना फेमस था यार वो, मतलब उसका जो ह्यूमर है ना वो कोई पास नहीं कर सकता यार, वो बहुत नेचुरली फनी है। हमारा क्या सीन है, हमें फेक इट टिल यू मेक इट वाला सीन है, मतलब हमें इतना फेक करना पड़ता है कि हमें आदत लग जाए उस चीज की, ठीक है। लेकिन उसको फेक नहीं करना पड़ता यार, वो गॉड है यार लिटरली भाई। उसने छोड़ा बहुत बहुत भाई, बट क्या ही कर सकते हैं यू नो। अगर आपको लगता है कि वैम्बू वापस आएगा तो सब्सक्राइब करना, अगर आपको लगता है कि वैम्बू वापस नहीं आएगा तभी भी सब्सक्राइब करना, क्यों पता नहीं मेरे को, बट स्टिल। और ये हम इस बंदे को मारेंगे, और अब से आज से हम स्ट्रे पे खेल रहे हैं, स्ट्रे डॉट जी जी, क्यों, क्योंकि इसमें भी तो हमने अब यूट्यूब रैंक लेनी है, क्योंकि हर एक जगह पे YouTube रैंक होके क्या गीगा चैट बन जाएंगे हम। ओ ओ ओ यार मेरा एम 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 अच्छा हो जाए ना एक बारी, मेरी बस इस बंदे को मार के हो जाएगी। अगर गाइज आपको लग रहा है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ,
मैं वीसी में बैठा हूँ किसी के साथ नहीं बताऊंगा किसके साथ बैठा हूँ। आप लोगों को प्रोबेबली उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी क्योंकि मैं ऑडियो सोर्स कलेक्ट करने में बहुत अच्छा हूँ, मतलब यूट्यूबर ही में बहुत अच्छा हूँ। ओह नहीं, ये मेरे को एक्चुअल में डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी। अरे मैंने ऑडियो सोर्स ही ऑफ कर रखा है डिस्कॉर्ड का, किसी को पता नहीं लगेगा किससे बात कर रहा हूँ मैं। हाँ अब तो आएगी। ये तो जाएगी भाई। गाइज आपको क्या लगता है कि आपको अगर लगता है कि मैं ये पीवीपी फाइट जीत जाऊंगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, यू नो। मैं बहुत थक रहा हूं यार। ओ गाइस गाइस, इसके पैंट्स नीचे उतर गए। ओ जी जी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।